सबको जय यीशु। हम कल से पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र सप्ताह का महत्व पास्कल त्रिडुम मनाकर वार्षिक उत्सव में पूरे वर्ष के जो दिल उपासना का केंद्र और जो शीर्ष है वह सप्ताह हम पवित्र सप्ताह मनाने जा रहे हैं। सुसमाचार के विश्वास जीवन और उत्साह से भरे लोगों के रूप में हमारे जीवन वास्तव में ईस्टर ट्रिड्यूम से प्रभावित होता है। ईस्टर पूरे वर्ष के अंत मनाते और हर एक इतवार हम एक छोटा ईस्टर मनाते हैं। आज दुर्भाग्य से इस समय हमारे देश में एक लॉकडाउन के कारण घातक कोरोना वायरस महामारी के फैलने के भय के कारण लगभग हर चीज और हर कोई प्रभावित है और सामान्य जीवन लगभग एक ठहराव की स्थिति में आ गया है। हमारे सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन में दर्द समस्या पैदा हुए हैं जिसे अब सामाजिक गड़बड़ी के रूप में जाना जाता है जो अपरिहार्य है। वायरस के संचरण को रोकने के लिए इस असाधारण स्थिति के संदर्भ में वैटिकन होली सी ने पवित्र सप्ताह के उत्सव के लिए यूनिवर्सल चर्च को विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम अपने आर्च डायसिस ऑफ नागपुर और डायसिस ऑफ अमरावती के लिए एक ही पेशकश कर रहे हैं। असाधारण स्थिति द्वारा उन्हें स्वीकार करते हुए कुछ हद तक हमारी स्थिति के लिए ये विभिन्न समारोहों को केंद्रित और केंद्रीयता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी उपासना विधि हमें कुछ सिफारिशें देते हैं। पवित्र सप्ताह के दौरान और वायरस के संचरण को रोकने के लिए यह किए जाने वाले उपाय हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने देश में 144 धारा शुरू होने के कारण हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते। अपने धर्म प्रांत में इस कारण सभी धार्मिक विधियों का सीधा प्रसारण YouTube पर करने जा रहे हैं। आप उसे सब्सक्राइब करें। अपने सारे लोगों को संचार के साधनों के माध्यम से प्रार्थना में भाग लेने की पेशकश की जा रही है। हम कल खजूर इतवार पाम संडे पैशन ऑफ द लॉर्ड्स यह दिन मना रहे हैं। यरूशलेम में प्रभु के प्रवेश का स्मारक और स्मरण दिन सभी चर्चों के भीतर मनाया जाता है। आने वाले दिनों में यह कैथेड्रल चर्च से जो मिसा होगी उसका प्रसारण किया जाएगा और हर पल्ली में अपने अपने धर्मगुरु पुरोहितगण यह विधि मनाए जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण विधि त्रिडियम उसका पहला भाग प्रभु का भोजन समारोह 9 अप्रैल गुरुवार शाम 6:30 बजे प्रभु का भोजन समारोह मनाया जाएगा। उस समय पैर की धुलाई नहीं होगी। अंत में जो संस्कार यीशु क्रिस्त के शरीर का संस्कार प्रोसेशन में नहीं किया जाता है और धन्य संस्कार को साक्रामेंट में के पेटी में लौटा जाएगा। उस दिन
चर्च में लोगों की उपस्थिति नहीं होगी, तो भी अपने अपने परिवार में प्रभु का भोजन समारोह मनाया जाएगा। सभी परिवार अपने घर में ही परिवार के साथ उस समय प्रार्थना कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण दिन पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे। यीशु के दुख भोग और उसकी क्रूस के वंदना का समारोह है। उस दिन हम अपने अपने घरों में परिवार के साथ उस प्रार्थना विधि में सहभाग ले सकते हैं। पवित्र क्रूस की आराधना या चुम्बन से पूरी तरह हमें सीमित किया गया है। इसके बाद पवित्र क्रूस को कुछ समय के लिए उच्च स्तर पर रखा जाता है, ताकि जो कि आप अपने अपने घर में क्रूस की वंदन कर सकते हैं। तीसरा दिन ईस्टर विजिल, यानी प्रभु का पुनरुत्थान दिन, जब हम ईस्टर विजिल का पर्व कैथेड्रल में मनाएंगे और उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। उस दिन ईस्टर की मोमबत्ती जलाई जाती है, जिसके बाद एक्जुल्टात पुनरुत्थान की विजय घोषणा की जाएगी। बैप्टिज्म के जो प्रॉमिसेस है उसका नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में ईस्टर विजिल को अपने छोटे मंडली में हमारे विश्वास योग्य लोगों की मदद करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सामाजिक संचार इस विजिल को सभी विग्रहों की माता के रूप में मनाने के लिए उन्हें जन्म देने वाली की प्रभु क्रिस्त के जीत में अधिक आशा है, जिन्होंने पाप और मौत पर विजय प्राप्त की। इस महामारी के बीच में हमें अपनी जीत की निश्चितता के रूप में प्रभु के पुनरुत्थान का अनुभव करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह पवित्र सप्ताह के सभी विधि नागपुर आर्चडायोसिस के कैथेड्रल से सीधे प्रसारित की जाएगी। उन प्रसारों का समय कृपा करके ध्यान में रखें और अपने परिवार के साथ सभी विधियों में सहभाग लें। कल इतवार 5 अप्रैल सुबह 8 बजे खजूर इतवार पैशन ऑफ द लॉर्ड पाम संडे मनाया जाएगा। प्रभु का भोजन समारोह पुण्य बृहस्पतिवार 9 अप्रैल शाम 6:30 बजे प्रभु का भोजन समारोह मनाया जाएगा। शुभ शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे 10 अप्रैल शाम 6:30 बजे उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। शनिवार 11 अप्रैल रात 9 बजे पास्का का जागरण ईस्टर विजिल का सीधा प्रसारण होगा। 12 अप्रैल सुबह 8 बजे ईस्टर का रविवार के मिसा का सीधा प्रसारण होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, विशेष करके जो अपना सबमिट संस्कार, कन्फेशन संस्कार है उनके बारे में। वर्तमान महामारी में संक्रांति पर प्रासंगिक जो संस्कार सबमिट संस्कार है वह हम पा नहीं सकते, तो भी हम अपने अपने परिवार में अपने यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर ईमानदारी से अपने पाप स्वीकार करें
और जब बाद में मौका मिले तो हम अपने पुरोहित गण यानी फादर्स के पास कन्फेशन कर सकते हैं। हम संत पिता हमें संत पिता फ्रांसिस हमें कहते हैं, सम्मिट संस्कार में हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं और पिता ईश्वर से दया याचना करते हैं जो हमेशा हमें हमारे पाप के प्रायश्चित करने से हमें ईश्वर की दया प्राप्त होती है। इस पवित्र सप्ताह में हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें और साथ में अपने पाप को स्वीकार करके दृढ़ संकल्प के द्वारा जितनी जल्दी हो सके उतने अपने पापों का निवेदन करें और ईश्वर की क्षमा प्राप्त करें। दूसरी महत्वपूर्ण बाब या आध्यात्मिक कम्युनियन, लंबे समय से यह कैथोलिक चर्च में एक परंपरा रही है कि जब परिस्थितियां किसी को पवित्र भोज प्राप्त करने से रोकती है तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करता है जो विशेष करके एक समय में अपने परिस्थितियों में उसे प्यार से गले लगाते हैं, वो प्रभु यीशु को आध्यात्मिक समुदाय और आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन पवित्र सप्ताह में आध्यात्मिक कम्युनियन यानी आध्यात्मिक क्रिस्त शरीर संस्कार स्वीकार करें और उस समय क्रिस्त शरीर संस्कार के समय आपके लिए एक प्रार्थना की जाएगी, वो प्रार्थना आप मना सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण निवेदन है, यह महामारी के समय आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ समय बिताएं। यह पवित्र सप्ताह होने के कारण ज़्यादा समय प्रार्थना में लगाएं, अपने और अपने परिवार की और घर की निगाह रखें, समय समय पर हाथ धोए, सरकारी निवेदनों का ध्यान से पालन करें, स्वास्थ्य में रहने के लिए स्वास्थ्य के बारे में कोई भी समस्या आवे तो परिवार के सदस्य को तुरंत डॉक्टर के इलाज के लिए ले जाना। पांचवा निवेदन है, यदि कहीं महामारी से पीड़ित सदस्य का निधन होवे तो सरकारी नियमों के आधार पर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और मरीजों के क्रिमेशन का बंदोबस्त करें। छठवां निवेदन, आप किसी भी तरह की परेशानी में हो तो अपने पल्ली पुरोहित से संपर्क करें और उनका सलाह भी लें। सातवां निवेदन है कि इस पवित्र सप्ताह में हम सब प्रार्थना से जुड़े रहे और माँ मरियम जैसी येसु के दुख भोग में उनके साथ चली वैसी वो हमारे साथ चले और इस आपत्ति में से निपटने के लिए हमें साथ दी। आखिरी में मैं आप सभी को ईस्टर की शुभेच्छा देता हूँ। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। विश यू हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।